अब आवाज नहीं। एंड हेलो पॉलिनोमियल्स। तो अगर अपन बात करें पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का, अगर अपन बात करें चैप्टर 2, तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं इन बातों से घिरा हुआ रहता है। फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं जिसको आप और हम बिल्कुल फटाफट लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि पहली आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी के साथ हम लोग इस आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो सर कुछ इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब अगर अपन थोड़ा सा अगर अपन आइडेंटिटी बेस के साथ भी अगर आगे बढ़े तो हमारे पास गेम क्या चल रहा है, आगे की आइडेंटिटीज क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। कहीं ना कहीं अगर और आइडेंटिटीज भी बताऊं मैं आपको तो वो क्या रहेगी आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कितना ए प्लस बी। सर थोड़ी सी और आइडेंटिटीज अगर अपन देखें तो आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। आपके पास यही है इसमें आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और लास्ट एक आइडेंटिटी जो आपको बहुत काम आएगी अगर वक्त के साथ बात करूं तो, वो कुछ ऐसी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, तो सर हम करेंगे किस प्रकार से इस चैप्टर को, हम लोग सिस्टमेटिक कुछ क्वेश्चंस लेंगे हर एक टॉपिक पे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमको सिस्टमेटिक लेने चाहिए, किस प्रकार से हम लोग 2.5 को ट्राई करके उल्टा सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम टिपिकल क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे और देन हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट आइडेंटिटी से एक बात प्रूफ करना चाहता हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूरा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूरा होगा। तो अगर आपको बोल के रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना या ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इट्स ऑल गुड। अब आपको बोला है इफ किसी भी एंगल से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो भी डाउट है गोला बना ले भी करते रहे, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, तो प्रूफ करना है। मुझे कुछ छोटी सी बात बताओ, बहुत सिस्टमेटिकली आपसे पूछूंगा, अगर इस पूरे के अंदर में ए प्लस बी प्लस सी को जीरो लिख, क्या लिखो, ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम जीरो लिखते हैं तो मुझे खुद बताओ अगर जैसे ये जीरो हो जाएगा वैसे ही जीरो इंटू ये पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, जीरो।
इट मीन्स यू विल एंड अप हियर विद समथिंग लाइक दिस. अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, जीरो इंटू ये पूरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, जीरो. जीरो इंटू पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो. इट इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री ए बी सी. सर क्या यही चीज प्रूफ करनी थी क्वेश्चन नंबर 13 में? यस. तो जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो था कि आप शुरू करो कैसे आइडेंटिटी से. पहले क्या लिख लो, आइडेंटिटी. एक बार आपने पूरी आइडेंटिटी लिख ली, फिर आप ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या पुट करो, जीरो. जीरो इंटू दिस ब्रैकेट इज बिकम वॉट, पूरा ही कितना हो जाएगा, जीरो. ठीक है ना. तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो. इट इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना, थ्री ए बी सी. अब इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड है कि अगर ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी कब होता है, जीरो. इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो सर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बताओ माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होगा. हमने बोला देख पहले हम चेक कर लेते हैं, हम इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी, और इसको क्या मानते हैं, सी. और चेक कर रहे हैं क्या माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 क्या इक्वल टू जीरो है. अगर माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो. देन ए क्यूब, देन व्हाट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी. इसका मतलब माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू कितना, 5. सही है यहाँ तक, क्योंकि अभी अपन ने खुद ने बोला ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 3 ए बी सी. कब, हमेशा नहीं, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0. तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी. मतलब 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15. 15 इंटू 12 180. तो इन शॉर्ट अगर आपकी बात करें तो हो जाएगा माइनस 180. माइनस 180 इंटू 7 चेक करो कितना आ रहा है, फिर आगे बात. और सिस्टमेटिक बात करें तो हम लोग किस तरफ पे, तो जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आए एक बार आप चेक कर सकते हो कि 15 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 195 और 84 इंटू 195 जो भी, ठीक है. तो सर ठीक है, ये भी इजी था क्वाइट, कोई इतना टफ तो नहीं था. एक बार अगर आप देखेंगे तो वापस से यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, इफ ए प्लस बी प्लस सी is equal to what, zero, then a cube plus b cube plus c cube would be what, a cube plus b cube plus c cube is equal to kitna ho jayega aapke paas, 3 a b c is equal to kitna ho jayega pehle plus 3 a b, theek hai kya. ab agar thoda sa aage badhe aur systematic aage badhe to hum kis taraf ja rahe hain, isi identity ko unhone question number 12 mein proof karne ke liye pucha hai humse. क्वेश्चन नंबर 12 में इसी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए पूछा है. तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 कितना है आपके पास, कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. मैं चाहूंगा बच्चे साथ में लिखें, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन वाला. इक्वल टू कितना, थ्री
xyz is equal to half of x plus y plus z ब्रैकेट में आ जाएगा कितना x माइनस y स्क्वायर, अगर अपन लेके चले इसको तो x माइनस कितना y स्क्वायर प्लस y माइनस z स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। मैंने एक बात तो जान ली थी कहीं ये वाले एंटिटी का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये इज इक्वल टू होती क्या थी, ये इज इक्वल टू होती थी a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये जो अपन ने अभी एंटिटी पढ़ी थी, तो अगर x प्लस y प्लस z, अगर मैं बोलूं सर आपने ये कहां से लिखा, ये अभी आपने रेड कलर से एक आइडेंटिटी लिखी थी, अगर अपन देखे क्या था वो, अगर अपन देखे तो आइडेंटिटी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको वैसे ही एक आइडेंटिटी सामने आई है कि आपको ये प्रूफ करना है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, मतलब उन्होंने a b c की जगह पे क्या ले लिया x y और z is equal to, ये प्रूफ करना है, is equal to करना ये प्रूफ। तो सर हमने LHS को तो काय से लिख लिया, by formula, क्या लिख लिया formula, क्योंकि इसका formula तो यही होता है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus a b minus b c minus a c। RHS को मैं सॉल्व करना चाहूंगा अगर आप लोग अलाउ करें और सिस्टमेटिक अलाउ करें तो थोड़े x माइनस y के होल स्क्वायर को खोल के मुझे बताओ x माइनस y का होल स्क्वायर कितना हो। सर ये होता है शायद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x, क्लास 8 में पढ़ा था ये, तो y माइनस z का होल स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। सही कह रहा हूँ। अब सर ऐसे में अगर अपन हिसाब लगाए तो इस तरफ क्या खुलेगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पता एक्स स्क्वायर एक है कि दो, एक ही एक्स स्क्वायर और एक ही कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक हो गया टू हो गया, y स्क्वायर एक हुआ कि दो, z स्क्वायर एक हुआ कि दो हुआ, सर x स्क्वायर भी एक, x स्क्वायर भी दो, y स्क्वायर भी दो और z स्क्वायर भी दो, माइनस कितना 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि सब में 2 2 2 है, तो क्या 2 को कॉमन ले लूं, क्योंकि 2 2 2 2 सब जगह 2 2 है, तो अगर सर आप हाफ ब्रैकेट में कितना x प्लस y प्लस z, अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो बताओ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर xy माइनस yz माइनस zx, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस y प्लस z और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस कितना जेड एक्स। क्या यही प्रूफ करना था? यस सर। क्या हो गया? हाँ, चेक कर लो। सर अब अगर अपन बात करें तो उन्होंने एक और इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एक बार फिर से अपन अगर आप और मैं आत्मसात करने की आइडेंटिटी थी क्या, तो आपके और मेरे बीच की ये बात कॉमन रहनी चाहिए कि सर कैसी आइडेंटिटी थी और क्या आइडेंटिटी थी। तो अगर अपन आइडेंटिटी की बात करें तो ए क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब इसी में एक आपको क्वेश्चन नंबर बुक का ही 11th क्वेश्चन नंबर है जो कि बोल रहा है कि भाई 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz क्या होगा। हमने बोला देखो भाई क्या मैं 27x क्यूब को लिख सकता हूँ क्या 3x का होल क्यूब, यस।
क्या मैं वाई क्यूब को लिख सकता हूँ क्या वाई का होल क्यूब? क्या मैं जेड को लिख सकता हूँ क्या जेड का होल क्यूब? तो सर ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, माइनस थ्री, ए कितना है अपने पास थ्री एक्स, बी कितना है वाई और सी कितना है जेड, तो थ्री इंटू थ्री एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सही है तो? हाँ. तो ये हो गया तुम्हारे पास ए क्यूब, ये क्या हो गया बी क्यूब, ये क्या हो गया सी क्यूब, माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, ए की जगह पे क्या लिखो, बी की जगह पे क्या लिखो वाई, सी की जगह पे क्या लिखो जेड, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x into y, 3x into y, plus minus 3x into कितना y, minus y into कितना z, minus 3x into कितना z. तो सर ये पूरा खोल के तामझाम के साथ क्या बन जाएगा, 3x plus y plus z is, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. चेक करो तो किसी ने आपको अगर ऐसा गिवन है सेम ऐसे ही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 8a का क्यूब प्लस 27 b का क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस, अगर मैं बात करूं तो आपके पास 18 a b c, तो क्या करें सर? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब प्लस c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू c, शायद 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना 18, 18 a b c, सही है यहाँ तक? Yes, अब अगर ऐसे में समझूं और सोचूं कि क्या करना है, तो जितना मुझे लगता है a प्लस b प्लस c ऐसी होती है एंटिटी, इस तरफ का होता है बहुत एंटिटी में a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a b माइनस बी सी माइनस कितना ए सी, तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है टू ए, बी की जगह पे है थ्री बी, सी की जगह पे है सी, और अगर अपन यहाँ पे ले तो बता ए स्क्वायर की जगह पे क्या है टू ए का होल स्क्वायर थ्री बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए इंटू ए बी ना, तो ए कितना ए, टू ए इंटू थ्री बी माइनस थ्री बी इंटू सी माइनस टू ए इंटू सी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा पूरा ये आ जाएगा टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा टू ए का होल स्क्वायर कितना हुआ था फोर ए स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू इंटू थ्री कितना हुआ, सही है सब कुछ, ये भी क्यूब का लिखो सही, हाँ ये चलो माइनस टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा आपके पास सिक्स ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस टू ए सी, दिस इज द आंसर, एक बार देखें समझें अच्छे समझें फिर अगर अपना आपने और मैंने ही आज कुछ आइडेंटिटीज सीखी हैं, इसमें एक आइडेंटिटी थी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो अब इस आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन हमारे पास बुक ने देके रखा है जो कि क्वेश्चन नंबर बुक का तो क्या 10th क्वेश्चन है, विच इज 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, सर ये आपको सोचना पड़ेगा 27 किसका क्यूब, शायद 3 का, ये हो जाएगा 3y का होल क्यूब और 125 5z का होल क्यूब, तो एक तो हो गया 3y का होल क्यूब, सेकंड क्या हो गया 5z का होल क्यूब, अब यहां पे इज इक्वल टू कितना a + b मतलब व्हाट
थ्री वाई प्लस फाइव जेड, क्योंकि ए की जगह पे क्या है थ्री वाई और बी की जगह पे क्या है फाइव जेड, इन टू यहाँ पे ए की जगह पे क्या है थ्री वाई, इट वुड बी थ्री वाई का स्क्वायर, थ्री वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री वाई इंटू फाइव जेड प्लस फाइव जेड का कितना होल स्क्वायर। ऐसे केस में ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, थ्री वाई प्लस फाइव जेड, बताओ थ्री वाई का होल स्क्वायर कितना होता है नाइन वाई स्क्वायर, थ्री इंटू फिफ्टीन कितना होता है फिफ्टीन वाई जेड, और फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर। सर क्या ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, तो द आंसर इज यस, ये क्वेश्चन का तुम्हारे पास क्या आ गया आंसर भी आ गया। तो सर ठीक है, बातें तो खैर अच्छी हैं, अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो हमारे पास ऐसा ही इसी आइडेंटिटी पे अगर अपन एक और क्वेश्चन लें तो मेरे पास एक क्वेश्चन है अगर आप लोग अलाउ करें इस प्रकार से है 216x³ + 64zq, ये मेरा क्वेश्चन 216x³ + 64zq, 216 किसका क्यूब होता है, कहीं ना कहीं शायद 6x का होल क्यूब, 6 × 6 × 6 करोगे तो कितना ज्यादा 6 × 6 × 6 = 216, और सर 64 किसका क्यूब होता है 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4z का होल क्यूब। अभी आपने और मैंने पढ़ा कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x + 4z और इस जगह पे आना चाहिए 6x का होल स्क्वायर, 6x × 4z + 4z का होल स्क्वायर। तो अगर अपन अच्छे से बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6x + 4z, अगर हम लेके चले तो 6x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x², 6 × 4 कितना हो गया 24xz, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16z². तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो ये आपके पास a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। सर अगर अपन अच्छे से और आराम से बात करें तो हमारे पास ये भी बातें हैं कि सर आपने ही सिखाया था, इसके साथ अगर अपन बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर अपन आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे तो वो आइडेंटिटी कहाँ जाएगी, साथ में देखते हैं एक बार अपन ए क्यूब माइनस वॉट बी क्यूब, ठीक है लिखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो अपन ने आज लिखी थी, तो मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने और मैंने पढ़ के रखी है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बोलूं बस क्वेश्चन कुछ ऐसा है 64m³ - 343nq, पहली बात तो 64 में आएगा ही कितना, ये 4m का होल क्यूब, 343nq मतलब 7n का होल क्यूब, तो एक तरफ आपके पास 4m आ गया और एक तरफ आपके पास क्या आ गया 7m, तो मेरे पास a की जगह पे क्या है 4m और b की जगह पे क्या है 7m, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू कितना आता है 343, तो ये हो जाएगा 4m माइनस व्हाट 7n, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m × 7n + 7n का होल स्क्वायर, इन शॉर्ट 4m माइनस व्हाट 7n, पता 4m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m² 4 × 7 कितना हो जाएगा 28mn और 7n का होल स्क्वायर कितना 49n² 49 what
एन स्क्वायर। क्या ये ठीक है क्या आपके पास? अगर अपन सिस्टमेटिक देखें तो ये किसकी एंटिटी होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर कुछ और क्वेश्चन कभी आप करा पाते हैं? अगर दे पाते तो मेरे पास तो एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानना चाहें तो कुछ ऐसा है। 729 डी स्क्वायर माइनस 512 डी स्क्वायर। अब सर 729 किसका क्यूब रहता है? 7 9 का, मतलब 9 × 9 × 9 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 729। तो सर कहीं ना कहीं, सॉरी क्यूब, 729 डी क्यूब माइनस 512 डी क्यूब। सर 729 तो किसका क्यूब रहता है? 9 का। इट वुड बी 9 डी का होल क्यूब माइनस 8 डी का होल क्यूब। 9 डी का होल क्यूब माइनस व्हाट? 8 डी का। सर ऐसे में आपने अभी तो आइडेंटिटी बताई कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो 9 डी माइनस व्हाट? 8 डी। 9 डी माइनस 8 डी, 9 डी का होल स्क्वायर, 9 डी इंटू 8 बी प्लस 8 बी का कितना आ जाए होल स्क्वायर। नाउ हियर योर आंसर बिकम्स 9d माइनस व्हाट? 8b। 9d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81d स्क्वायर प्लस 72bd प्लस 64। चलें बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू, प्रूफ करना है जो अभी तक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे उसका क्या करना है आपको? प्रूफ। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना? वाई स्क्वायर। अब आपको और मेरे को इस चीज को ऐसे देखना है, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो? x x इंटू एक्स वाई कितना हो? x स्क्वायर y, x इंटू वाई स्क्वायर कितना हो? x y square, y into x square कितना हो जाएगा? y x square कितना हो जाएगा आपके पास? y x square, y into x y कितना हो जाएगा? minus x y और y into y square plus y। सर आपने क्या करा? सिर्फ मल्टीप्लाई करा। कैसे मल्टीप्लाई करा? पहले x से सबको मल्टीप्लाई करा, फिर y से। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो शायद ये x स्क्वायर y और ये भी x स्क्वायर y, दोनों क्या हो जाए? कैंसिल। ये x y स्क्वायर और ये x y स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। बताओ क्या बच गया? x क्यूब प्लस y, इतना ही बच गया जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अगर अपन बात करें x क्यूब माइनस y क्यूब, तो x क्यूब माइनस y क्यूब को ये बोल रहे हैं कि प्रूफ करो इज इक्वल टू होता है x माइनस y, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सर अगर अपन ऐसे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अगर मैं आपसे बोलूं माइनस वाई इंटू एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सर शायद ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और ये कायम है माइनस, ये प्लस में और ये क्या हो गया माइनस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। चेक कर लो अच्छे से और आराम से।